शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि सागर से आ रही है। आपको बताते कि सागर में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। कलेक्टर के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बता दें कि 2 अप्रैल को सभा के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। भाजपा ने इसकी शिकायत दर्ज की थी जिसके बाद जांच की गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश शासन के परिवहन एवं राजस्व मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। दरअसल 2 अप्रैल को पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया था जिस पर बीजेपी ने शिकायत दर्ज की थी और जांच होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। बता दें कि राजस्व और परिवहन मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत जिनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। ताजा अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता संवेद जैन से। संवेद, चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बाद ही मंत्रियों का इस तरह अपशब्दों का प्रयोग करना क्या मायने रखता है? जी निश्चित ही मंत्रियों का इस तरह से शब्दों का उपयोग करना बड़ा मायने रखता है और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने सख्ती बरतते हुए उनके विरुद्ध अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और यही कारण है कि कलेक्टर जो सागर है प्रीति मैथिल, उन्होंने अपना प्रतिवेदन तैयार किया और एसपी अमित संघल के लिए निर्देश दिए कि परिवहन मंत्री जो गोविंद सिंह राजपूत है उनके विरुद्ध अपराध दर्ज किया जाए। और यही कारण है कि उनके विरुद्ध मकरोनिया थाना में 188 जो लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा है उसके विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। जी संवेद, ये पूरा मामला कब का है और कब ये सुर्खियों में आया? देखिए ये जो पूरा मामला है ये 2 अप्रैल का है। 2 अप्रैल को मकरोनिया में एक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन जो हुआ था तो इसमें बतौर जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो मंत्री परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत थे। इन्होंने कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनके विरुद्ध जो अपने भाषण दिए थे उसमें काफी अपशब्दों का उपयोग किया था जिसके वीडियो काफी वायरल हुए थे। इसके वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो सागर है उसने निर्वाचन आयोग में इसकी पूरी शिकायत की थी और इस शिकायत के बाद इसकी जांच कराई गई थी पूरे मामले की। और जांच कराने के बाद निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर जो प्रीति मैथिल है उनके लिए मामला सौंपा था और कहा था कि इनके विरुद्ध अपराध दर्ज किया जाए और गुरुवार को यह मामला दर्ज कर लिया गया है। दीपाली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संवेद। तो आपको बता दें कि परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल 2 अप्रैल को एक सभा को संबोधित करते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने पीएम मोदी पर अपशब्द कहे थे, उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था जिसके बाद बीजेपी ने मामले की शिकायत की थी और जांच होने के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई।